कश्मीर बोलता हूं, मान्य सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ प्लीज। माने सर प्लीज। हाँ सभापति महोदय, माने प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि जब मैं सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को आज। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है, और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। धारा 370 को हटाने के लिए पेश किए गए बिल को सोमवार को राज्यसभा में मंजूरी मिल गई, लेकिन लोकसभा में चर्चा अभी भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने तथा अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प पेश किए हैं। गृह मंत्री की ओर से पेश संकल्प में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इस सदन में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 विचार के लिए भेजा है। इसमें कहा गया है कि 19 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति की अधिघोषणा के बाद जम्मू कश्मीर राज्य विधायिका की शक्ति इन सदन को है। ये सदन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को विचार के लिए स्वीकार करता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम दो केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी, जबकि लद्दाख बिना विधायी वाला केंद्र शासित क्षेत्र होगा। गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड नहीं लागू होंगे। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और द्रमुक के TR बालू ने संकल्प पेश किए जाने का विरोध किया। बालू ने कहा कि यह अघोषित आपातकाल है। शाह ने सदन में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 और जम्मू कश्मीर आरक्षण द्वारा संशोधन विधेयक 2019 भी पेश किया। इससे पहले राज्यसभा ने सोमवार को अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को खत्म कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित क्षेत्र बनाने संबंधी सरकार के दो संकल्पों को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और उनके एजेंडा में अक्साई चीन से लेकर पाक अधिकृत कश्मीर भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट बाइट TV।